साथी पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सिनोनिम्स की बात करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए और पूछे जाएंगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए सबसे पहला वर्ड है अपना विसीट्यूड है। विसीट्यूड क्या होता है? एक नाम होता है जिसका अर्थ है उतार चढ़ाव, फेर बदल, परिवर्तन। अब मैं कहूंगी इन बिजनेस विसीट्यूड इज कॉमन थिंग। बिजनेस में विसीट्यूड आम बात है। और देर इज ए क्लियर विसीट्यूड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आया, अप्स एंड डाउन्स आया, अल्टरनेशन हो गया, चेंज हो गया, बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो देखिए विसीट्यूड से रिलेटेड वर्ड्स, पहला है चेंज। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही नेचर का रूल है। इसलिए लाइफ में विसीट्यूड्स आते हैं, परिवर्तन आते हैं। वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन भी क्या होता है? विभिन्नता आती है, बदलाव आता है, चेंज आता है, वेरिएशन आते हैं। फिर है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स कहते हैं आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए हैं और लाइफ इज फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स। सो एवरीबडी मस्ट हैव पेशेंस, फॉरबियरेंस रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, करेज आना चाहिए। तो अप्स एंड डाउन्स हो गए। फिर आया म्यूटेशन, MUTATION। कहते हैं कोरोना वायरस का जो वेरिएशन वेरिएंट है वो कैसा है? म्यूटेशन कर रहा है, चेंज हो रहा है। म्यूटेशन प्रोसेस में होता है, जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेशन में चलता है, परिवर्तन करता है। कोरोना वायरस चेंजेस इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करता है, म्यूटेशन करता है। फिर है फ्लक्चुएशन, FLUCTUATION, फ्लक्चुएशन आता है। से जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो उसके माइंड में फ्लक्चुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे जब ECG कराते हैं तो भी जो रेंज होती है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है। सो फ्लक्चुएशन इज कॉमन थिंग इन बिजनेस एज वेल। बिजनेस में भी फ्लक्चुएशन आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे अल्टरनेशन आते हैं, बहुत सारे विसीट्यूड आते हैं, चेंज आते हैं, वेरिएशन आते हैं। अल्टरनेशन, ALTERNATION, अल्टरनेशन भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। फिर होता है शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट। तो ये थे सारे के सारे शब्द जिनका मतलब होता है कहेंगे परिवर्तन। विसीट्यूड क्या होता है? परिवर्तन, उतार चढ़ाव, चेंज। अगला है वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन आते हैं, फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है। अल्टरनेशन, अल्टर का मतलब होता है बदलना, और ALTAR, अल्टार होती है वेदी, जिसके ऊपर हम फूल फ्लावर्स को ऑफर करते हैं, दैट इज अल्टार। और अल्टर मींस होता है चेंज। अल्टर मींस क्या होता है? चेंज, परिवर्तन होता है, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है परिवर्तन, शिफ्ट, इस चीज को बदल देना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बेट। देखो कॉम्बेट शूज के ऊपर भी आता है, कॉम्बेट होता है लड़ाई, झगड़ा, कोई भी फाइट होती है, कोई भी इन्वेड होता है, कोई भी अटैक होता है, कोई भी रेसिस्ट होता है किसी व्यक्ति से लड़ाई। तो ये क्या होता है? आपका नाउन होता है। ये क्या होता है? कॉम्बेट क्या होता है? लड़ाई, क्योंकि वार्ड का जवाब होता है। जैसे लड़ाई होगी, देयर इज ए कॉम्बेट इन दिस टाउन। इस टाउन में क्या है? लड़ाई है, झगड़ा है। तो कॉम्बेट के बाद आएगा फाइट। क्या आएगा? फाइट। फाइट हैज बीन कॉमन थिंग इन प्रेजेंट टाइम। आजकल फाइट आम बात हो गई, आजकल कॉम्बेट आम बात हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल भी संघर्ष होता है। स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल इज वेरी मैंडेटरी इन लाइफ टू अचीव सब्लाइम सक्सेस, टू अचीव द बेस्ट सक्सेस। सो स्ट्रगल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ। जिंदगी में स्ट्रगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर डिफाई भी किसी चीज का मनाही होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, डिफाई का मतलब भी कहेंगे लड़ाई झगड़ा होता है। फिर है बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, BATTLE, बैटल भी क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। फिर मुकाबला होता है रेसिस्ट, RESIST, रेसिस्टेंस पावर होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बॉडी के अंदर होती है, वो भारी जो वायरस होते हैं उनसे हमारा बचाव करती है। तो रेसिस्ट यानी मुकाबला करना, प्रतिशोध करना, प्रतिरोध करना, रेसिस्ट होता है मुकाबला करना, लड़ाई करना। फिर रेसिस्ट के बाद अपोज, OPPOSE, अपोज भी क्या होता है? विरोध होता है, अपोजिशन होता है, अपोजिशन पार्टी होती है जो सत्ता में रहती है, द पार्टी विच इज इन पावर,
उसके अगेंस्ट में इश्यूज को रेज करती हैं, उस मुद्दों को उठाती हैं ताकि सोशल वेलफेयर हो और कल्याणकारी नीतियां बने, सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मासेस कैन बी रिजॉल्व्ड, कैन बी सॉल्व्ड आउट, ताकि आम लोगों की समस्या का निस्तारण हो, सोल्यूशन हो। तो ये था अपना अपोज आ गया फिरर विद स्टैंड, विद स्टैंड STAND, विद स्टैंड भी क्या होता है, ये भी लड़ाई झगड़ा होता है, ये भी गतिरोध होता है, आपकी प्रोग्रेस के अंदर कोई बाधा आती है तो वो भी विद स्टैंड होता है। फिर आता है कंटेस्ट, CONTEST, कंटेस्ट आता है ब्यूटी कंटेस्ट, प्रतियोगिता होती है, आपस में प्रतिभागी होते हैं, वो किसी चीज के लिए कंटेस्ट करते हैं, तो कंटेस्ट का अर्थ भी कहीं कहीं विरोध होता है। फिर आता है स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ भी कलह होती है। स्ट्राइफ इज कॉमन थिंग इन प्रेजेंट टाइम अमंग द इवन द विलेज पीपल एज वेल, गांव के लोगों में भी स्ट्राइफ होती, कलह होती है। वेंडेटा होता है, वेंडेटा VENDETA, वेंडेटा होता है कुलवैर, बहुत सारे जैसे दादा में झगड़ा हुआ पोते उसका वैर लेते हैं, जो ग्रांड सन्स होते हैं दे वांट टू टेक रिवेंज, वो अवेंज लेते हैं, वो रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, वो रिटेलिएशन करते हैं, विरोध करते हैं उसका। वेंडेटा क्या आता है, कुलवैर होता है, कॉम्बैट हो गया। फिर आता है इनवेड, INVADE, इनवेडर, मोहम्मद बिन कासिम वाज इनवेडर था, तैमूर लंग भी इनवेडर था, तो इनवेडर क्या होते हैं, आक्रमणकारी, जो कि अटैक करते हैं, क्या करते हैं, अटैक, ATACK, अटैक करना। Assault, 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 किसी की इज्जत पे हमला करना, किसी की रेपुटेशन पे, किसी की इमेज पे, किसी को ह्यूमिलेशन करना, किसी को अपमानित करना, assault भी क्या होता है, हमला होता है, अटैक भी क्या होता है, हमला होता है, कॉम्बैट भी हमला होता है। आप देखो लड़ाई झगड़े के इतने सारे शब्द, अटैक आक्रमण के, झगड़े के, प्रतियोगिता के इतने सारे शब्द हो गए। कॉम्बैट, अगर देखिए कॉम्बैट होती लड़ाई, कॉम्बैट हैज बीन कॉमन थिंग इन प्रेजेंट टाइम, फाइट, देयर वाज ए फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में लड़ाई थी, स्ट्रगल, स्ट्रगल इज मैंडेटरी लाइफ, और विदाउट स्ट्रगल यू कांट, वी कांट अचीव एनीथिंग, आज कुछ नहीं पा सकते। डिफाई भी विरोध करना, स्ट्राइफ कलह होगी, देयर इज स्ट्राइफ अमंग द पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी, इस मोहल्ले के लोगों के अंदर स्ट्राइफ है, कलह है। वेंडेटा हो गया कुलवैर, वेंडेटा इज कॉमन थिंग इन इंडिया, बिकॉज इफ देयर इज फाइट बिटवीन टू ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड सन्स क्या होते हैं, दे टेक रिवेंज, अवेंज लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, वेंडेटा हो गया कुलवैर। बैटल होता है युद्ध, बैटल ऑफ प्लासीज इज द इंसेप्शन ऑफ ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री, प्लासी के युद्ध में के बाद से भारत में अंग्रेजों का क्या होगा, आगमन हो गया। रेसिस्ट, रेसिस्ट होता है मुकाबला करना, विरोध, प्रतिरोध करना, रेसिस्टेंस पावर होता है बॉडी के अंदर, और जिसकी कमजोर होती है उसको कोरोना हो जाता है, इसलिए क्या होगा, वी शुड टेक विटामिन्स एंड हेल्दी फूड, हमें कंजीनियल लाइफ जीना है, हमें सेलिब्रेस और कंडिशिव एनवायरमेंट अडॉप्ट करना है, हमें हाइजीनिक सिचुएशन में रहना, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, एंड इट इज वेरी मैंडेटरी इन प्रेजेंट टाइम आल्सो। अपोज हो गया विरोध करना, विद स्टैंड हो गया, कंटेस्ट हो गया, इन्वेड हो गया, अटैक हो गया, एसोल्ट हो गया, तो ये सारे के इनके लड़ाई झगड़े के, विरोध के, आक्रमण के, अटैक के सारे शब्द हैं, और इसके हमने कर दी परिचर्चा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आपके समक्ष हो क्या आया हुआ विद्यार्थी आप, हाँ जी देखिए नेक्स्ट वर्ड अपना रिक्रिएशन, रिक्रिएशन क्या होता है, नाउन होता है, क्योंकि TI1 लग गया, ये हमारा नाउन है, TI1 SI1 I1 ANC आता है, नाउन होता है, DOM भी नाउन होता है। वी हैव डिस्कस्ड दिस वर्ड्स अर्लियर, हमने पहले से शब्दों की परिचर्चा की है विस्तृत। तो ये रिक्रिएशन क्या होता है, मनोरंजन होता है, क्या होता है, मनोरंजन। रिक्रिएशन इज वेरी मैंडेटरी और वेरी एसेंशियल इन लाइफ, जिंदगी में मनोरंजन बहुत जरूरी है। दोज पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन रिक्रिएशंस दे रिमेन अलूफ, वो अकेले रहते हैं, वो डिसअपॉइंटेड रहते हैं, डिजेक्टेड रहते हैं, होपलेस, मोरोस, सलन, बहुत दुखी रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, सैड होते हैं। इसलिए रिक्रिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मनोरंजन। अब देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो मनोरंजन के सूचक शब्द हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। सो पहला है रिलैक्सेशन, RELAXATION, रिलैक्सेशन क्या होता है, आराम, कहते हैं रिलैक्स चाहिए, यू शुड टेक सम रिलैक्सेशन बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने काफी काम किया, इसलिए रिलैक्सेशन इज मैंडेटरी फॉर यू। अब है नेक्स्ट है एंजॉयमेंट, ENJOYMENT, देखो जब ये नाउन है तो सारे के सारे सिनोनिम्स भी नाउन ही होंगे, ये भी सारे सारे क्या होंगे, नाउन, तो रिलैक्सेशन भी नाउन है, एंजॉयमेंट भी, क्योंकि वर्ब में एनएनटी लग गया, ये भी आपका नाउन है। एंजॉयमेंट भी क्या होता है, खुशी होती है, आमोद प्रमोद होता है, मनोरंजन होता है। एंजॉयमेंट के बाद आता है अम्यूजमेंट, ANUSEMENT,
अम्यूजमेंट, अम्यूज से अम्यूजमेंट बना, वर्ब प्लस एमएनटी, वर्ब प्लस एमएनटी नाउन होता है। देखो जब भी वर्ब में एमएनटी लगता है आपका सफिक्स एमएनटी मंट, तो फिर इसका ये क्या होता है नाउन होता है। इसलिए एंजॉयमेंट भी क्या है नाउन है, अम्यूजमेंट भी क्या होता है ये भी मनोरंजन के लिए आ गया। तो अम्यूजमेंट इज मैंडेटरी लाइफ और रिक्रिएशन इज मैंडेटरी लाइफ। और दूसरा पास टाइम, पास टाइम देखो पास टाइम मतलब टाइम पास, लेकिन पास टाइम भी क्या होता है पास टाइम भी आपका मनोरंजन होता है। सो पास टाइम इज ऑल्सो आपका क्या कहते हैं जो नाउन है, क्योंकि तो सारे सारे क्या होते हैं नाउन होते हैं मस्कुलर एम एस क्यू ए आर ए डी ओ एम ए एस क्यू यू ए एम ए एस क्यू यू ए आर ए डी ओ मस्कुलर एम ए एस क्यू यू ए आर ए डी ओ एम ए एस क्यू यू ए आर ए डी ओ मास्कुलर। ये भी क्या होता है मनोरंजन होता है, ये भी क्या होता है खुशी होती है एंजॉयमेंट होता है। सो मास्कुलर इज मैंडेटरी लाइफ, क्योंकि आज कोरोना चल रहा है मेनी पीपल आर वरिड, वो सीरियस है, वो टेंशन में है। लाइफ हैज बीन हैव सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल डाइड इन द वर्ल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस एंड इवन स्टिल द थर्ड वेव उसके बारे में यार वरिड एंग्जियस है कि पता नहीं व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके हैजर्ड्स क्या होंगे, कितना पेरिलस सिचुएशन होगी, कितना हीनियस एनवायरमेंट हो सकता है। इसलिए सो मेनी पीपल आर वेरी वरिड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स ऑफ कोरोना वायरस इन फ्यूचर। सो मास्क्यूरेटर, मास्क्यूरेटर कहता है आराम करना चाहिए, मेमोरी मेकिंग आ गया एम ई डबल आर वाई एम ई डबल आर वाई मेमोरी मेकिंग एम ए आई जी मौज मस्ती मनाना, कहते ना खाओ पियो मौज उड़ाओ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एक idioms आता है, idioms होता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ कुछ नहीं। कुछ लोग तो बिल्कुल हेडोनिस्ट होते हैं, हेडोनिस्ट सुखवादी होते हैं कि बस अपना मजे करो, कर्जा लेके घी पियो और फिर बिना टाटा करके चले जाओ दुनिया से, वो होते हैं हेडोनिस्ट सुखवादी। सो हेडोनिज्म होती है उनके अंदर। इसलिए अपना पास टाइम हो गया, मस्क्यूलेट हो गया, मेमोरी मेकिंग हो गया, प्लेजर, प्लेजर पी एल ई ए एस यू आर ई प्लेजर होता है खाली समय, फुर्सत का समय, प्लेजर टाइम में आप क्या करते हो गार्डनिंग करते हैं, कोई रनिंग करते हैं, कोई सिंगिंग सॉन्ग्स, कुछ गजल सुनते हैं, कुछ पुराने फिल्मी गाने सुनते हैं जो पुराने लोग हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू प्लेजर, प्लेजर इज मैंडेटरी लाइक प्लेजर, प्लेजर प्लेजर इज मैंडेटरी, बॉडी मेकिंग मास्क्यूलेट हो गया, पास टाइम हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, एंजॉयमेंट आ गया, अम्यूजमेंट आ गया, उसके अलावा जॉय आ गया, हिलेरियस हिलेरिटी भी होता है खुशी होती है, उसके अलावा जेपोसिटी जोकोसिटी जे ओ सी ओ जोकोसिटी एस आई टी वाई जोकोसिटी भी खुशी होती है, जॉय जॉय से बना है, जोवियल जोवियल वो तो अर्धव्यक्ति होता है जोवियल, जेकोस जेकोस ठीक है, जोबिलिटी होता है जे ओ वी आई ए एल आई टी वाई जोबिलिटी, ये भी नाम होता है। अरे भाई आई टी वाई लगेगा ना किसी वर्ड के अंत में, या टी वाई होता है वो नाम होता है, वो फिक्स होता है नाम होता है। जोबिलिटी जोबियल तो एडजेक्टिव होता है, जोबिलिटी क्या होता है खुशी होती है नाउन हो गया। जोबिलिटी इज मैंडेटरी लाइफ, अगर आपको वाकई में सफलता प्राप्त करनी है, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस देन जोबिलिटी इज मैंडेटरी। अगर आप दुखी, आप सोरो, आप मोरोज है, सलन है, डेस्पोंडेंट है, डिजेक्टेड है, अनहैप्पी है, आप लाइफ से बहुत रुखी हो गया, तो डिजेक्टेड लाइफ जी रहे तो देन यू कांट अचीव सबलाइन सक्सेस। सो जोकोसिटी 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 एंड जोबिलिटी इज मैंडेटरी लाइफ, ये सारे के सारे शब्द बहन के आराम के खुशी के प्रमोद के आनंद के मनोरंजन के मनोरंजन होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट हो गया ई एन टी ई आर एंटरटेनमेंट टी ए आई एन एम ई एन टी एंटरटेनमेंट भी होता है, रिक्रिएशन आता है रिक्रिएशन आर ई सी आर ए टी आर रिक्रिएशन हो गया, रिक्रिएशन रिलैक्सेशन एंजॉयमेंट अम्यूजमेंट वर्ब प्लस एम ई एन टी नाउन होता है, वर्ब प्लस एम ई एन टी नाउन होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट होता है मूवी से एंटरटेनमेंट होता है लाइफ का, पास टाइम हो गया, मास्क्यूराइट हो गया, मास्क्यूराइट हो देखो ऐसे बढ़ाते हैं मास्क्यूराइट हो, उससे मेमोरी मेकिंग मेमोरी इट ड्रिंक एंड बी मेरी खाओ भी मौज उड़ाओ। फिर है प्लेजर, प्लेजर इज एसेंशियल इन लाइफ, जिनमें प्लेजर होते हैं खाली फुर्सत होता है स्पेयर टाइम जो होता है प्लेजर, प्लेजर टाइम होता है जोकोसिटी जोकोसिटी जोकोस एडजेक्टिव होता है खुश, आई एम जोकोस टुडे बिकॉज आई हैव जोकोसिटी क्योंकि मेरे अंदर मेरे अंदर खुशी है। जोबिलिटी इज मैंडेटरी टू लीड हैप्पी लाइफ, खुशी जिंदगी जीने के लिए खुशी होना चाहिए। सो जोबिलिटी और माय फ्रेंड इज जोवियल, ही इज जोकोस, ही इज ग्ली, ही इज ग्लैड, ही इज हैप्पी, ही इज वी कैन से दैट एकेस्टेसी है उसमें, एकेस्टेसी
खुशी होती है, ecstasy, delight, merriment, hilarious, hilarious भी adjective होता है, hilarity भी होता है खुशी। इसलिए आप बार बार जब ऐसे शब्दों के बारे में बात करते हो, बार बार सुनते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार लिसनिंग करते हो, लेकिन हम बोर हो जाते हैं इस चीजों से। हमें गाने सुनाओ, हम 10 घंटे तक बोर नहीं होते, हमें कुछ और चीज सुनाओ, हम बोर नहीं होते, फिर हमारा माइंड स्ट्रेट काम करता है। लेकिन इस तरह की चीजों को झेलना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए हर आदमी बड़ा आदमी नहीं बनता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।